वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं फरा। जी हाँ गाइस, आज हम उड़द की दाल का फरा बनाएंगे। ये फरा झटपट से बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि हम इसको स्टीम करके बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं फरा। फरा बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस बाउल से मैंने 1.5 कटोरी उड़द की दाल को भिगो दिया था। ये छिलके वाली उड़द की दाल थी। ओवरनाइट भिगोने के बाद ये ऐसे फूल गई है। इसको मैंने धुल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो हम ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। इसको हम बिना पानी डाले पीसेंगे। ये 5 हरी मिर्ची है, ये भी डालेंगे इसमें। ये 2 इंच जिंजर है, इसको मैंने पील कर लिया है। इसको भी इसमें पीस लेंगे। इसको ग्राइंड कर लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी महीन पेस्ट बनी हुई है। ये देखिए, बस ऐसे ही हमें, और जो बचा हुआ है हमारे पास उसको भी ऐसे ही हमें ग्राइंडर जार में महीन पेस्ट कर लेना है। ये देखिए महीन पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। चलिए आइए डो को नीट कर लेते हैं। डो को नीट करने के लिए ये चावल का आटा है। जिस बाउल से दाल की माप ली थी उसी बाउल से हम ये चावल का आटा ले रहे हैं। चावल का आटा हम 2 बाउल लेंगे। डो को नीट करने के लिए ये पानी गर्म कर लिया है, 2 मग। ये हल्का गुनगुना पानी है जिससे हम डो को नीट करेंगे। पानी में मैंने थोड़ा सा दूध डाला है जिससे ये आटा और भी सॉफ्ट होगा। डो को हम सॉफ्ट नीट करेंगे। देखिए आटा सॉफ्ट हमें नीड हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें नीड कर लेना है आटे को। चलिए 2 मिनट और मसल के इसको अच्छे से नीड कर लेते हैं। देखिए जो अच्छे से नीड हो गया है, चलिए अब हम फोरा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए भगोने को चढ़ा देते हैं। भगोने को गैस पे चढ़ाने के लिए सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी ये 1/2 भगोना पानी है। आइए अब इसको कवर करके चढ़ा देते हैं। उड़द की दाल जो हम लोगों ने पीस ली थी, आइए अब उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। हींग 1/2 छोटी चम्मच डाल देते हैं। चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। दो ले लेंगे फॉर्म पे, चावल का आटा डस्ट करेंगे और इसको अच्छा लंबा गोल बेल लेते हैं। अच्छे से बेल चुका है। ये जो छोटे वाले ग्लास होते हैं उससे हम कट कर लेते हैं। आप गिलास भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिंग कटर हो छोटा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास कटोरी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें सब कट कर लेना है। मैं आपको इसको भर के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें ले लेना है। इस तरह से जो हमने रोटी छोटी छोटी सी बनाई है इसको हमें ले लेना है ऐसे, और ऐसे बिल्कुल, ये देखिए ऐसे हमें इसको भर लेना है। आइए मैं आपको 2-4 और दिखा देती हूँ। बस ऐसे ही हमें भर लेना है सब। चलिए इसी तरह से हम सारे अपने रोटी को ऐसे स्टफ कर लेते हैं। इस तरह से सब ऐसे भर लेना है। चलिए अब इसको स्टीमर में रख देते हैं। स्टीमर में रखने के लिए पहले आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप स्टीमर में रख सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरह की एक चलनी ले सकते हैं। तो चलिए आइए चलनी में हम रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं, अच्छे से इसको ग्रीस कर देते हैं। अच्छे से ग्रीस हो चुका है। इसी पे सारे फोरे ऐसे रख देते हैं। ये देखिए रख लिया है।
आइए चल चेक कर लेते हैं कि पानी हमारा बॉयल हुआ या नहीं। ये देखिए पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस पे अपने फरी रख देंगे ऐसे और प्लेट से ढक देंगे इसको। इसको 10 मिनट स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, लीड को हटा लेते हैं। नाइफ की हेल्प से हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी क्लीन निकल गई है, इसका मतलब फरे हमारे पक चुके हैं। आइए इसको हम प्लेट में खाली कर लेते हैं। प्लेट में इसको खाली कर लिए है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिए, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। मूंगफली का ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये देखिए इस टेबल स्पून से 1 स्पून हम राई डालेंगे इसमें, चटकने देंगे। 20 कड़ी की पत्तियां हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। सौटे कर लेते हैं इसको, कढ़ाई में डाल देते हैं, सौटे कर लेते हैं अच्छे से। गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और वीडियोस अगर आपको मेरे बहुत अच्छे लगते हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी मेरे वीडियोस को शेयर करिए, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए ला सकूं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ देते हैं, जिससे ये थोड़े रेड हो जाए। ऐसे ही थोड़ा पिंक इसको फ्राई होने देते हैं। इस तरह फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। बस जैसे इधर ये फ्राई हुए हैं, ये देख रहे हैं, ऐसे ही हमें सारे फ्राई कर लेने हैं। दोनों साइड में ऐसे ही हम पिंक कर लेंगे इसको। देखने में लाइट पिंक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। चलिए आइए फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आज हम दोने में इसको सर्व करेंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो चलिए झटपट से बनने वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई करें। फरे को आप अमचूर की चटनी के साथ खाइए और भी टेस्टी ये लगने लगता है। और आप कब सारे फरे चट कर जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। अमचूर की चटनी का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके वहां से इस चटनी को चेक कर सकते हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको और भी बेस्ट बना देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।